हेलो गाइस, माय नेम इज विश्वराज पुरोहित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट मेकिंग दम आलू। तो गाइस चलिए हमारी दम आलू की कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। हम उसको पहले पील करेंगे। ये पटेटोज को मैंने बॉईल नहीं किया है, ये नॉर्मल रॉ पटेटोज है जिसको मैंने सिर्फ पील किया है, उनकी स्किन निकाल दी है। ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं है, मैंने फ्लेम भी मीडियम रखी है क्योंकि जो पटेटो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। लीजिए उसको कट करके अंदर से देखिए, पूरा वाइट हो गया है, मीन्स वो अंदर से अच्छे से कुक हो गया है। एक्चुअली हमें फ्राई करते हुए उसको कम 80-90% ही कुक करना है। फ्राइड पटेटो को ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे तब वो अपना अगला 20% मीन्स प्रॉपर कुक हो जाएगा। दम आलू का सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है दही का, वो एक खट्टापन, इसलिए चलिए अब हमारा मसाला दही बनाते हैं। दही के अंदर हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, धनिया जीरा का पाउडर, हल्दी मसाला, वेजिटेबल मसाला पाउडर, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सब इन सब मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है और हमें देखना है कि इसके अंदर कोई लम्ब्स ना क्रिएट हो कोई भी ड्राई पाउडर के। अब हम लोग दम आलू की जो मेन ग्रेवी होती है वो हम बनाएंगे। हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई के अंदर, जीरा, लहसुन की कलियां, तेज पत्ता, मिर्ची और इलायची, ऑनियन क्यूब्स ऐड करें, काजू जो आपकी ग्रेवी को एकदम रिच और थिक बनाएगा, और टमेटो क्यूब्स ऐड करें। ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। ड्राई रेड चिली ऐड करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसके अंदर के जो बीज है वो अच्छे से निकाल दीजिए। इस ग्रेवी को मैंने ऊपर कवर करके 10-15 मिनट्स तक कुक करा है, जिसे देख सकते हो आप, ये एकदम सॉफ्ट हो गई, अच्छे से कुक हो गई है। फिर इसको आप फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लीजिए। अब हम लोग मेन दम आलू का तड़का लगाएंगे। उसी कढ़ाई में आप 2 चम्मच तेल लीजिए। जो प्यूरे जो हमने बनाई है, जो मेन ग्रेवी है दम आलू की, वो हम सबसे पहले ऐड करेंगे। अच्छे से पकाएंगे कि उसके अंदर का जो ऑयल है वो साइड कॉर्नर्स पे रिलीज हो जाए। जो फिर उसके अंदर आप जो हम लोग मसाला दही जो हमने बनाया था, जो दम आलू का सबसे मेन एक बेस होता है, वो हम ऐड करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है, ग्रेवी का एक तीखापन और दही का एक खट्टापन जो दम आलू में ज़रूर होना चाहिए। दही ऐड करने के बाद कम से कम उसको 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाए, कंटिन्यू स्टर करें वरना वो नीचे स्टिक हो सकता है। ग्रेवी अच्छी थिक हो जाए तब आप उसके अंदर फ्राइड पटेटोज ऐड कर दीजिए। आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये पटेटो सिर्फ 80% कुक है, इसलिए आपको इस ग्रेवी के अंदर ऐड करने के बाद इसको कम से कम 5-6 मिनट तक अच्छे से कुक करना है, जिससे क्या होगा कि पटेटोज इस ग्रेवी का स्वाद भी ले लेगा और साथ ही में अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो हमारे दम आलू की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आपको एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बेबी पटेटोज मीन्स जो छोटे साइज़ के पटेटोज होते हैं वो यूज़ करते हैं, पर अगर आपके पास ना हो तो आप जो बड़े पटेटोज होते हैं उनको 1/8 क्यूब्स करके भी सेम प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मीडियम साइज़ के पटेटो यूज़ कर सकते हैं। सोच रहे होंगे कि मैंने पटेटो को प्रिक क्यों किया। पटेटो को प्रिक मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे छेद करना, मीन्स या तो टूथपिक से या तो नाइफ से उसके अंदर कट्स लगाना छोटे छोटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पटेटो को फ्राई करके 80% कुक कर रहे हैं और फिर ग्रेवी के अंदर 20% कुक कर रहे हैं, तो चांसेस है कि वो अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाए। जैसे हम लोग उसको प्रिक करते हैं इसलिए ऑयल अंदर जाके उसको अच्छी तरह से पूरा अंदर तक कुक करें,
इसलिए हम लोग उसको थोड़ा प्रिक करते हैं, उससे टेस्ट में कि उसके स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही किसी नए रेसिपी वीडियो में विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।